अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। अब तुम्हें बचाने वाला नहीं आएगा, और वैसे भी गलती से आ गया तो खुद ही मारा जाएगा। प्लीज तुम हमें जेल भेजने वाली थी ना? देखो, हमने तुम्हारे घर को ही जेल बना दिया। आओ, तुम लोगों के लिए हमारे पास एक ऑफर भी है। आप हमें हमारी दुल्हन दे दो, और बदले में आपको आपके घर वालों की जान, वरना क्या है ना, कल अखबार में छप जाएगा कि शादी में गोली चल गई। और दुल्हन के घर वाले खत्म। हे शक्ति के भोलेनाथ, अब आप ही कोई रास्ता दिखा। आपने झूठ क्यों बोला? झूठ बोलना तो गंदी बात है ना बेटा। वो चल चल चल, एक्सक्यूज मी, रुकिए। देखिए, सुनिए, सुनिए, देखिए, डरिए मत, मैं आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। क्या आप रंजन को जानती हैं? कौन रंजन? हम किसी रंजन को नहीं जानते। हमारा हाथ छोड़िए प्लीज, नहीं तो हम शोर मचाएंगे। सॉरी बेटा, आप इन्हें जानते हो ना? आप बिल्कुल सही कह रहे थे कि झूठ बोलना गलत बात है। कितनी बार समझाए हम आपको, छोड़िए हमें, जाने दीजिए। बेटा एक मेरी बात सुनो, क्या आपने इन्हें देखा है? आप इन्हें जानते हो? हम आपसे बात नहीं करेंगे, हम अपनी मम्मा की बात मानेंगे। हम आपको नहीं बताएंगे। आप बैठ गए हो ना। अब हमारे पापा को हार्म करना चाहते हो ना? हम आपसे बात नहीं करेंगे। चुप हो जाओ बेटा, ये सब क्या बोल रहे हो? ये खबर ना तो कह दू, नंदरमा के घर में घुस के नंदरमा पे दादागिरी नहीं कर सकता, समझो ना? हट, हट, अरे
कहाँ जा रही हो सासू माँ? तुम्हारी हिम्मत कैसे भी हमारी चाची जी को हाथ लगाने की? अगली बार हाथ लगाए ना तो हाथ तोड़ के रख देंगे। एक काम करता हूँ, सासू माँ का हाथ छोड़ के तुम्हारा हाथ पकड़ लेता हूँ। देख, अगर मेरे सासुड़ी को हाथ लगाए ना तो सासू माँ को काली माँ बनने में टाइम नहीं लगेगा, समझो ना? वाह, हमें याद ही नहीं रहता कि चाची और भतीजी है ना? लेकिन इनका प्यार देख के तो हमारे आंसू निकल गए। अगर मुझे मेरी दुल्हन ना मिली तो यहां सबकी जान निकालूंगा और यहां सबकी अर्थिया भी निकालूंगा। जाओ, मेरी दुल्हन लेके आओ, जल्दी जाओ। प्लीज आराम से, आराम से। अब ठीक है? आपको कहीं लगी तो नहीं? नहीं, ठीक हूं मैं, गलत हूं मैं, सबसे बड़ी पागल, सबसे बड़ी गधी। मेरी अकल पे पत्ता पड़ गया था, अकल की अंधी हूं मैं। तो मुझे बार बार हर बार कहती रही कि रंजन सही नहीं है, रंजन गलत है, गलत है। पर मैंने एक बार भी तेरा भरोसा नहीं किया। पता मैं तुझे हमेशा कहती थी कि एक माँ से ज्यादा एक बच्ची का भला और कौन समझ सकता है। गलत थी मैं सकतूड़ी, एक माँ से ज्यादा एक बहन भी अपनी बहन का भला समझ सकती है। तू ना एक अच्छी बहन, अच्छी बेटी और रिमझिम के लिए तो अच्छी माँ भी साबित हो गई, पर मैं फेल हो गई सकतूड़ी, फेल हो गई। मुझे माफ कर दे, माफ कर दे बेटा, अपनी चाची को माफ कर दे। हमने जो कुछ भी किया हमने इसलिए किया क्योंकि रिमझिम दीदी के लिए सही था। अगर आपको पता होता कि रंजन ऐसा है, उसकी असलियत पता होती तो आप ये शादी थोड़ी ना होने देती। और अब देख मेरी वजह से क्या हुआ। तेरे चाचा जी और मंकुड़ी पहलवान और रिमझिम तीनों की जिंदगी दांव पे लग गई है। चाची जी, अब अभी कुछ खतरे में नहीं है। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।